गांधी फेलोशिप के 2023 से 25 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। अगर आप गांधी फेलोशिप में जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है और मैं करंट में भी भागलपुर बिहार में गांधी फेलो हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि गांधी फेलोशिप में एज क्राइटेरिया क्या होता है, किस किस तरह से एलिजिबिलिटी होती है और किस तरीके से आपको स्टेप हेड इंडिया आपको सपोर्ट करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। तो आगे हम इस वीडियो में यही देखेंगे और यही समझाएंगे। गांधी फेलोशिप 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है और ये पीरामल फाउंडेशन इसको प्रोवाइड करता है। और इसमें जो फेलो होता है उसको अलग अलग सेक्टर में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें काम करना होता है। जैसे पीरामल फाउंडेशन की बात करें तो वो एजुकेशन में, हेल्थ में और बाटर में काम करता है। तो इसमें जो फेलो होते हैं तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के साथ साथ हम लोग सीखते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि काम क्या रहता है, जैसे मैं एक गांधी फेलो हूँ तो हम लोगों का जो काम रहता है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो CS से लेकर आशा दीदी तक, जैसे भी जितनी भी जैसे मान लीजिए बात करते हैं किसी ऐप की, जैसे अनमोल ऐप की बात करते हैं तो उसमें टेक्निकली हमको ट्रेनिंग देना है। तो उसका जो स्टेक होल्डर है उनको ट्रेनिंग देना, उनको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें सपोर्ट करना, ये हम लोगों का काम रहता है। जो राज्य सरकार की और भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, उनमें सपोर्ट करना हमारा काम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण साल दे रहा है तो वो क्यों देगा, उसमें उससे क्या मिलेगा। तो गांधी फेलोशिप जो है वो आपको पहले सेल्फ पे काम करने के लिए आपको मौका मिलता है। हमें तमाम स्किल्स के बारे में सिर्फ थ्योरिकली पढ़ा हुआ, प्रैक्टिकली आप मान लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है, आप जब जाएंगे फील्ड में तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको गांधी फेलोशिप माने के बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाएगा। आप किसी भी सेक्टर में हैं, अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं आपके जीवन में। तो इसमें क्या है कि आपको इतना बड़ा नेटवर्क मिलेगा कि आफ्टर फेलोशिप के बाद आप कहाँ किस तरीके से जॉब करेंगे, क्या होगा, तो एक बड़ा नेटवर्क आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आपकी उम्र है वो 26 वर्ष से कम होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। ये क्राइटेरिया, अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं गांधी फेलोशिप के सिलेक्शन प्रोसेस की, कि उसमें सबसे पहले आपको गांधी फेलोशिप की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड होंगे आप, उसके बाद फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा और उसके बाद फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा। अभी किस तरीके से होगा वो हम इस पर बात करते हैं। पहला ये था कि हम खुद को रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको एक गांधी फेलोशिप की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा। तो वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको उसमें भरनी पड़ेंगी, जैसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसके आंसर आपको करने होते हैं। इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारे स्टेप हेड इंडिया यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करते हैं उसके बाद, जैसे आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आपका कॉल पे होगा, उसके बाद एक असेसमेंट आपको करने के लिए दिया जाएगा जिसमें कुछ आपको टॉपिक दिया होगा, उस पर आपको उसको तैयार करके लेके आना है। जब आप उसमें पास हो जाएंगे उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है कि अगर आप फिजिकली भी हो और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो उसके बाद जब उसमें आप सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो उसके बाद लास्ट उसमें अगर पास आप होते हैं तो फिर आपको कोई भी लोकेशन मिल जाएगा और फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो स्टेप हेड इंडिया की जो टीम है वो आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ी हुई है। तो इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे तमाम गांधी फेलोशिप से संबंधित वीडियोस बनाई हुई हैं कि उसका क्या प्रोसेस है, गांधी फेलोशिप क्या है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी हम लोगों ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया है जिसमें जो अभी करेंट में गांधी फेलो हैं या फिर जो गांधी फेलोशिप कर चुके हैं वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो आपको प्रॉपर तरीके से मेंटर करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को हम कोशिश करेंगे कि एक मेंटर हम लोग असाइन कर दें ताकि प्रॉपर तरीके से उसको गाइडेंस प्रोवाइड हो सके। तो ये चीज़ है। और अगर आप इस तरह गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भर सकते हैं। और सिर्फ गांधी फेलोशिप नहीं, स्टेप हेड इंडिया जो है वो देश में तमाम फेलोशिप जो चल रही हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक, चाहे वो आपका ऐसे लिखना हो, चाहे आपका इंटरव्यू संबंधित हो, कुछ भी हो, हम प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर खोज रहे हैं या फिर डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, मतलब स्टेप हेड इंडिया से जुड़ सकते हैं।
और आप चाहे टेलीग्राम पे इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे, तो आप इससे जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।